चलिए बच्चों, अपन जो है कोलाइड के जो है प्यूरिफिकेशन के ऊपर बात करते हैं कि भैया जो कोलाइड बना हुआ है उसका प्यूरिफिकेशन हम कैसे करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे बात के कोलाइड का प्यूरिफिकेशन के अंदर बेटा क्या होता है, तीन प्रोसेस होती है। क्या बच्चे? तीन प्रक्रिया होती है। पहला जो प्रक्रिया होता है मेरे बच्चे, वो होता है डायलिसिस का प्रोसेस। क्या होता है बेटा? डायलिसिस का प्रोसेस। यहाँ पे भयंकर चीज यूज की गई है, ठीक है। यहाँ पे बेटा क्या होता है कि लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता रहता है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन कहने का मतलब कि डरते रहते हैं कि भैया डायलिसिस क्या होगी, सर डायलिसिस होता क्या चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत क्या लग रहा है, भारी भारी सा लग रहा है, ठीक है। डायलिसिस कुछ नहीं मेरे प्यारे, बस एक तो एग्जांपल दूंगा, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी, देखना, ठीक है। डायलिसिस कुछ नहीं है। जो मम्मी जो होती है ना बेटा, चाय बनाती है, क्या बेटी बेटा? चाय बनाती है ना मम्मी, तो चाय बनाती है तो वो चाय को क्या होती है, छन्नी से छान के देती है। किसे बेटा? छन्नी से छान के देती। वो छन्नी क्या कर रहा है? एज अ फिल्टर काम कर रहा है, एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम कर रहा है। किसके बच्चे? एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने कहां पे यूज किया था? जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जब अध्याय 2 पढ़ रहे थे, वहां पे मैंने आपको बताया, जब हम पराशरण दाब पढ़ते हैं बेटा, वहां पे अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में मैंने बताया हुआ है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ विलायक के जो कण होते हैं वो चले जाते हैं और जो विलेय के कण होते हैं वो नहीं जाते। सेम फंडा यहां पे भी काम करने वाला है, बिल्कुल एज इट इज सेम फंडा, ठीक है, यहां पे काम होने वाला है। अब देखो बेटा, यहां पे डायलिसिस पूछा गया, तो डायलिसिस जो है एक जो साइंस होती है ना बेटा, साइंस जो होती है वो इजी शब्दों के फोकस नहीं करती, ठीक है। होता इजी है, काम वही है, सब कुछ करेंगे वही, पर ये साइंस जो होती है ना बेटा, ये क्या करती है, इसको जो वर्डों को जो है थोड़ा बढ़ा देती है, ऐसा भारी भरकम वर्ड, थोड़ा जो वजन रहनी चाहिए बातों पे, ऐसा वर्ड रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो बेटा, छानने का काम होगा डायलिसिस के अंदर, पूरा क्या होगा, छानने का काम होगा, और कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ छानने का काम होगा, ठीक है। लेकिन इसको बोला क्या गया है, डायलिसिस। क्या बोला बेटा? डायलिसिस, बहुत बड़ा चीज है डायलिसिस, कुछ नहीं बेटा, एकदम छानने, एकदम मक्खन तरीके से समझाऊंगा, देखना, ठीक है। डायलिसिस अपोहन जिसे अपन बोलते हैं, एग्जाम्स के अंदर डायलिसिस भी पूछ सकते हैं या फिर अपोहन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लियर सारे बच्चों को। यहाँ पे क्या होता है इसको मैं पहले बताता हूँ, ठीक है। देखो डायलिसिस क्या होता है, कोलाइडी विलयन में जो क्रिस्टलीय अशुद्धियों को, जो इम्प्यूरिटी है, जो इम्प्यूरिटी है उसको क्या कहते हैं, तंतु झिल्ली या फिर वनस्पति झिल्ली में से जल प्रवाह के साथ दूर करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डायलिसिस कहते हैं। मतलब कि मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या क्या, हमारे पास एक झिल्ली रहेगी, एक पॉलीथिन रहेगा, क्या रहेगा, पॉलीथिन रहेगा, जो कि इससे बना होता है, जो क्या होता है, जंतु झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। किसके बच्चे? अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं जंतु झिल्ली, एनिमल एनिमल परमिएबल मेम्ब्रेन, और या फिर बेटा वनस्पति झिल्ली। ये जो चीजें होती है, जंतु झिल्ली या फिर वनस्पति झिल्ली से क्या होता है, झिल्ली में से जल के प्रवाह के साथ जो हमारी इंप्यूरिटी रहती है और कोलाइड के जो पार्टिकल्स रहते हैं उसमें हम जल प्रवाह करते हैं, तो उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं इंप्यूरिटी के, वो वहां पे रुक जाती है और जो जल है बेटा वो निकल जाता है, ठीक है। तो जल है जो विलायक है वो निकल जाएगा, जो इंप्यूरिटी रहेगी उस झिल्ली के अंदर ठहर जाती है, तो उसी प्रक्रिया को बेटा हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा? डायलिसिस। जब सिर्फ छानने का ही काम हो रहा है ना, चाय पत्ती जब छानते हैं, हम चाय जब बनाते हैं, तो चाय बनाने के बाद हम चाय को छानते हैं, तो वहां पे जो चाय जो रहता है बेटा, जो पानी रहती है वो तो नीचे चली जाती है, कप के अंदर चली जाती है, लेकिन जो चाय में जो चाय पत्ती डली रहती है बेटा, वो तो छन्नी में छन जाता है ना, तो वही सेम काम कर रहा हो रहा है यहाँ पे। तो छन्नी में बेटा, हमारे भी छन्नी के तौर पर हम क्या यूज कर रहे हैं, जंतु झिल्ली या फिर वनस्पति झिल्ली यूज कर रहे होंगे, जंतु झिल्ली या फिर वनस्पति झिल्ली यूज कर रहे होंगे, और बेटा इस पे जो छन्ने का काम होगा उसको अपन बोलते हैं डायलिसिस या फिर अपोहन बोलते हैं, या अपोहन या डायलिसिस के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, प्रयुक्त उपकरण को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस या फिर सॉरी डायलाइजर बोलते हैं। क्या बेटा? डायलाइजर बोल रहे होते हैं। इसके जो है छानने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, एक प्रक्रम बनाया जाता है, उसी प्रक्रम को अपन बोलते हैं बेटा डायलाइजर, ठीक है। तो एकदम बहुत ईजी, बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आया, ठीक है। अब बेटा ये पूरे का पूरा प्रोसीजर जो है आपको समझ में आया होगा। अब इसको समझने कैसे सर, इसको पढ़ने कैसे, इसको दिखता कैसे, आखिर इसके बारे में सबर तो रखो बेटा, थोड़ा सबर रखा करो यार, इतनी काहे हड़बड़ी कर रहे हो आप लोग, ठीक है, इतनी काहे हड़बड़ी कर रहे हो। ये जो बेटा इसको इस बहुत जबरदस्त तरीके से अपने कॉपी के अंदर सारे स्टार बना के लिख लीजिएगा, पहली बात। अब दूसरी बात के ऊपर आते हैं बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपोहन क्या बताते हैं अपन को, डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस के अंदर बेटा अब बड़ा सा एक कंटेनर लेंगे, क्या करेंगे बेटा, एक बड़ा सा बनने से कम मान सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़ा बोल दिया मतलब बड़ा ही नहीं रख लेना भैया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कंटेनर रख दें, अब कंटेनर में बेटा अपन क्या कर देंगे, पानी डालेंगे, क्या बच्चा, पानी डालेंगे, ठीक है। अब क्या कर देंगे, यहाँ पे पानी डालेंगे, जब बेटा यहाँ से हम पानी डालें, वाटर डालें, ठीक है, अब यहाँ से अपन पानी डालें, तो ये पूरा कंटेनर के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, पानी आ जाएगा। अब पानी तो आया, तो यहाँ से मैं क्या कर दिया, ये जो यहाँ से जो हम जो कोलाइड के पार्टिकल्स यहाँ थे बेटा, हम लोग क्या डालें, कोलाइड के पार्टिकल्स डाल दिए, और बेटा कोलाइड के पार्टिकल के साथ साथ जो इम्प्यूरिटी है वो भी साथ में डाल दिए, ठीक है। अब साथ में जब डाले मेरे बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा, डायलिसिंग का काम होगा, डायलाइजिंग का काम होगा कि नहीं होगा बेटा, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो झिल्ली है, जो बॉटल की तरह आपको दिख रहा है ना बच्चा,
ये जो बॉटल की तरह जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा एक जो है एक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। किसकी तरह बेटा, एक मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करता है। ये जो है एक झिल्ली की तरह काम करता है, एक झिल्ली की तरह काम करता है, ठीक है, मेम्ब्रेन की तरह। वो झिल्ली कौन कौन सी हो सकती है, वनस्पति झिल्ली या फिर जंतु झिल्ली, एकदम सिंपल, ठीक है। ये जो पूरा बॉटल है झिल्ली की तरह काम करेगा, मतलब झिल्ली लगा दिए, मान लो यहाँ से जब हम क्या बोलेंगे सॉल्यूट डालेंगे, या फिर भैया क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, क्या बोलते हैं फिजिक्स के, सॉरी केमिस्ट्री के अंदर क्या बोलते हैं बेटा, डिस्पर्सन फेज, क्या बेटा, डिस्पर्सन फेज, ठीक है, डिस्पर्सन फेज। तो यहाँ पे बेटा हम लोग डाले डिस्पर्सन फेज, जब इस तरीके से मैंने डाला तो वहाँ डिस्पर्सन फेज में से जो हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे बेटा वो क्या करेंगे, इसी झिल्ली के ऊपर, इसी झिल्ली के ऊपर इस तरीके से रुक जाएंगे, मतलब हमारा जो कोलाइड्स होंगे बेटा, ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, कोलाइड जो होगा, ठीक है, वो क्या है? अब देखो बेटे यहाँ पे जो कोलाइड का जो पार्टिकल्स है, वो कोलाइड का पार्टिकल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में रुक जाएगा, क्या करेगा बेटा, इस झिल्ली में रुक जाएगी, ठीक है। ये जो हमारा गुलाबी कलर पे अपन जो लिखे हैं बेटा, इसकी मैं बात करूँ, ये हमारा क्या है, कोलाइड के पार्टिकल्स हैं, कोलाइड के कण हैं, ये क्या करेंगे इस झिल्ली में रुक जाएंगे। अब क्यों रुक गए हैं सर, इसके बारे में बता दो, क्योंकि बच्चे मेरा जो कोलाइड होता है ना, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरा जो कोलाइड होता है, ठीक है, मेरा जो कोलाइड, यहाँ पे बेटा कोलाइड लिखते हैं, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कोलाइड, कोलाइड, ठीक है बेटा। अब देखो कोलाइड क्या करता है, कोलाइड जो है ना एक फिल्टर पेपर इससे क्या होता है, ये इजिली पास हो जाता है, क्या होता है बेटा, इजिली निकल जाता है। तो उसके जगह पे अपन यहाँ क्या यूज किए हैं, जंतु झिल्ली या फिर हमारा जंतु झिल्ली या फिर वनस्पति झिल्ली। तो ये एनिमल जो होता है बेटा, जंतु झिल्ली जो होती है, एनिमल मेम्ब्रेन या फिर बेटा, ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन या फिर जो हमारा वनस्पति जो झिल्ली जो होती है वो क्या करता है, ठीक है, इसको जो है कोलाइड के पार्टिकल्स को नहीं जाने देता, क्या नहीं, क्या करता है बेटा, नहीं जाने, रोक के रख देता है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है भाई, क्या करेंगे यहाँ पे, जो इसको जो कोलाइड के पार्टिकल्स को रोकना है तो इसकी झिल्ली को हमको क्या लेना पड़ेगा, एनिमल मेम्ब्रेन या फिर बेटा वनस्पति झिल्ली या फिर जंतु झिल्ली लेना पड़ेगा, जिससे कोलाइड के पार्टिकल रुक जाएंगे, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या लिए, जंतु झिल्ली या फिर वनस्पति झिल्ली ही लिए, हमको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोलाइड के पार्टिकल जब रुके, ठीक है, रुक गए, तो हमारे विलायक के पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, एकदम इजीली निकल जाएंगे। मतलब यहाँ पे भैया जो भी हमारे जो यूज़ करने वाले जो पानी रहेंगे या फिर जो वाटर रहेंगे बेटा, ये क्या करेंगे, इजीली निकल जाएंगे, और जो कोलाइड रहेगा वो क्या कर जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। एकदम सिंपल, सारे बच्चों को सिंपल समझ आया कि नहीं आया मेरे बच्चों, समझ में आया प्यारे बच्चों को, ठीक है, एकदम गजब तरीके से क्लियर होगा। अब मेरे बच्चे ये पूरे का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, एकदम क्या होता है, स्लो होता है यार, क्या होता है, स्लो होता है, बड़ा दिक्कत है। ये पूरे का पूरा जो प्रोसीजर होता है ना बेटा, ये क्या होता है, स्लो होता है, मैंने बता दिया, ये क्या होता है बेटा, स्लो होता है। अब इसी प्रोसीजर को स्पीड अप करने के लिए क्या करते हैं बेटा, स्पीड अप करने के लिए हम लगाते हैं इलेक्ट्रोड, क्या लगाते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग जो है स्पीड अप करने के लिए लगाते हैं इलेक्ट्रोड, मतलब यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह होगा और ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, तेज होने लग जाएगा। सेम प्रोसेस यही काम करेगा, लेकिन इसको स्पीड अप करें, ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो धीरे होता है यार, मंद मंद गति से होता रहता है, बोर लग जाता है करते करते, ठीक है। तो इसको स्पीड अप करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तेजी से करने के लिए बेटा हम लोग ये उपकरण लगाते हैं, सेम पूरा फिनोमिना होता है। बस बच्चे यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, यहाँ पे बच्चा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड डालते हैं। भी कौन कौन सा, यहाँ पे इस साइड पे मेरे को क्या मिलता है, कैथोड लगा रहा होता है, यहाँ पे कैथोड लगा होता है, और बच्चे इस साइड पे मेरे को क्या मिलता है, एनोड लगा रहा होता है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे एनोड और कैथोड लगाने का क्या फंडा सर, एनोड और कैथोड लगाने से मेरे को क्या फायदा, एनोड और कैथोड लगाने से मेरे को क्या फायदा बेटा, इसका फायदा यह है कि हमारा वाटर जो होता है एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, क्या बच्चा, एक विद्युत अपघट्य की तरह यूज करते हैं। जब हमारा वाटर जो है क्या होता है, विद्युत अपघट्य की तरह, मतलब उसका अपघटन होता है, तो जहां से हमारे कोलाइड के पार्टिकल्स बेटा, अगर इसके अंदर जो है नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होंगे, इसके अंदर अगर नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो है इसके ओर जो है पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या करेंगे, एकदम हाई स्पीड से क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, और नेगेटिव चार्ज होंगे इसके अंदर, तो बेटा ये जो है पॉजिटिव चार्ज होंगे वो जो है नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि हमको पता है कि पॉजिटिव जो है नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, पॉजिटिव को जो है नेगेटिव से मोहब्बत होती है और नेगेटिव को जो है बेटा पॉजिटिव से मोहब्बत होती है। तो बेटा ये जो है आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना, नेगेटिव होता है ना सर, नेगेटिव को पॉजिटिव से मोहब्बत होती है और पॉजिटिव को जो है नेगेटिव से मोहब्बत होती है।
क्लियर है सारे बच्चे को, तो ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये इस क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस हम लगाते हैं, ये जो तामझाम लगाते हैं इलेक्ट्रोड जो है एनोड का, सॉरी कैथोड और एनोड का, ये क्या करता है, इसकी जो स्पीड होती है अपोहन की, डायलेसिस की जो स्पीड होती है सॉरी, उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। वो स्पीड वो क्या था बेटा, ये जो प्रोसेस था यहाँ पे हम बिना इलेक्ट्रोड की यूज करते हैं, ये जो प्रोसेस था वो स्लो था, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज कर दिए हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है बेटा वो फास्ट हो जाता है। तो इसको अपन पढ़ते कैसे हैं, देखो विद्युत अपोहन क्या बोलते हैं बेटा इसी को, विद्युत अपोहन या फिर इलेक्ट्रो डायलिसिस बोल रहे होते। इसके अंदर कुछ नहीं है बेटा, सारी चीजें आपको मैंने बता दी। तो बेटा सबसे पहले इसका जो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, ले लिए बच्चे, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको खैर बता दिया, सारे बच्चे यहाँ पे ड्रॉ कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए बच्चा फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे मैं कोलाइड विलयन के गुण के ऊपर बात करता हूँ भैया, कि कोलाइड विलयन के गुण कैसे होते हैं। कोलाइड विलयन के गुण बेटा यहाँ पे क्या होते हैं, कलर होते हैं, क्या बेटा ये कलर होते हैं, ठीक है। भौतिक गुण, रासायनिक गुण जितना भी आता है बेटा वो होने वाला है, और साथ साथ बेटा अनुसंख्यता का गुण भी रखता है, क्या बेटा अनुसंख्यता का गुण रखता है, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे इसमें प्रकाशिक गुण भी रखता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी रखता है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है सर, इसके ऊपर बात करते हैं पहले, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण मेरे प्यारे बच्चे क्या आता है, टिंडल इफेक्ट आ रहा होता है, क्या बच्चा टिंडल इफेक्ट आ रहा होता है, टिंडल इफेक्ट आ रहा होता है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव आखिर क्या होता है सर, बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम सिंपल, एकदम बचपन से इसको पढ़ते आ रहा है, क्या बच्चे एकदम बचपन से ही पढ़ते हैं, वही टिंडल इफेक्ट की मैं बात करूं। देखो कोलाइडी विलयन में जब प्रकाश की किसी भी किरण गुजरने के कारण क्या होता है, किरण में मार्ग में जो प्रदीप्ति, क्या होता है प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। मतलब किसी भी कोलाइड विलयन में जब प्रकाश हम गुजरते हैं, लाइट हम जाते हैं, तो उस लाइट में भैया वो जो प्रकाश होता है इसे फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा टिंडल प्रभाव। इसको सबसे पहले टिंडल सेल ने देख लिया, इसलिए इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। कोई ये तो प्रकृति होती ही है, सब जगह दिखती है, लेकिन सबसे पहले टिंडल सेल ने देखा, इसलिए इसका नाम दे दिया अपन टिंडल प्रभाव, सिंपल, ठीक है। अब बच्चे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट, हाँ एक बच्चे यहाँ पे याद रखो, टिंडल प्रभाव में जो हमको याद रखना चीज है वो क्या है बेटा, कि हमारा जो है ये जो टिंडल प्रभाव कौन से केसेस में होता है, जब हमारा जो है कोलाइड के, जो कोलाइड का जो विलयन होगा, कोलाइड जो विलयन होगा बेटा, कोलाइड के जो पार्टिकल होंगे, वो पार्टिकल का अगर व्यास जो है क्या होगा, व्यास जो है 10^10 जो हमारा लाइट है, अपन क्या कर रहे हैं लाइट दे रहे हैं। देखो यहाँ से पहले मैं आपको पहले बता दूं, डायग्राम दिखा देता हूँ, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अब बच्चे इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर अपन जब लाइट डालते हैं, जब प्रकाश जाती है बेटा, तो प्रकाश जाने के बाद यहाँ पे जो हमारा लाइट होती है वो क्या होती है, स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। इस तरीके से क्या होती है, पूरी अच्छे तरीके से क्या हो जाती है, फैल जाती है। यही हमारा क्या होता है बेटा, टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट कहलाता है, स्कैटर हो जाता है, ठीक है। यही इफेक्ट को मैं बोलूंगा बेटा जब तब हो पाएगी, ये जो इफेक्ट है तभी हो पाती है प्रक्षेपण माध्यम का, जो प्रक्षेपण माध्यम को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, अपवर्तनांक सूचनांक जो होता है, वो जो है क्या होता है परिक्षेप अवस्था के जो है अपवर्तनांग से क्या होता है डिफर करता है, डिफरेंस होता है, तभी ये प्रक्रिया हो पाती है, संभव हो पाती। तो ये बच्चा आपको जो एग्जाम्पल में जो है, सॉरी एग्जाम्पल में, एग्जाम्स में लिखना पड़ेगा भैया, मतलब कि परिक्षेप और परिक्षेपण माध्यम का क्या होता है बेटा, अपवर्तनांग वो क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग 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 होता है, ठीक है, ये बात। अब ये देखो यहाँ पे हमारे जो कोलाइड के पार्टिकल्स जो होते हैं, उसका जो व्यास होगा बेटा, उसका जो व्यास होगा, वो जो लाइट डाल रहे हैं उससे क्या होना चाहिए, उसका जो वेव लेंथ से क्या होना चाहिए बेटा, वो कम होना चाहिए, तभी ये जो टिंडल प्रभाव है ये संभव हो पाता है। इसके में और कुछ भी लिखने की नीड नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, जो चीज़ें होती वो आपको मैंने बता दिया, और इसको एग्जाम के अंदर आपको जबरदस्त तरीके से लिखने आना चाहिए, क्लियर है सारे बच्चों को। यहाँ पे दो टाइप आपको बता दिया, दो कंडीशन मैंने आपको बता दी एक्चुअल पे, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम के अंदर एकदम डेफिनेटली बेटा कन्फर्म जब आएगा ये क्वेश्चन, तो इसको लिख के ही आना है, ठीक है। अब बच्चे अपन यहाँ पे बात करते हैं कि भैया इसका जो कुछ उदाहरण दे दीजिए भैया, जब आप जो मूवी देखने जाते हैं तो बेटा, तो वो जो हाँ से जो लाइट निकलती है, जो किरण की पुंज निकलती है बेटा, जो सिनेमा घर में जो ऐसा निकलता है, ऐसा जो है एक जो है हमारे पास एक ब्लॉक रहता है, उस ब्लॉक से ऐसा लाइट जाती रहती है, तो उसी पे हमको जो है टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। तेरे बच्चे टिंडल जो इफेक्ट होता है वो देखने को मिलता है वहाँ पे सिनेमा घर में, ऊपर से जो धूल धुआं के द्वारा जो प्रकाश की छोटे छोटे क्या प्रक्रियन के कारण क्या होता है बेटा, वो जो सिनेमा घर में जो प्रोजेक्टर है वो अच्छे से काम कर पाते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अगर बच्चे आसमान का नीला होना था, समुद्र जल का नीला दिखना भी क्या होता है, कोलाइडी धूल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रक्रियन से
के कारण ही संभव होता है, सॉरी प्रक्रियण के कारण ही संभव होता है। तो ये हमारे पास बेटा कुछ एग्जांपल्स है, उसको आप लोग फटाफट जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद बेटा हम लोग उसके महत्व के बारे में बात करते हैं, आखिरकार इतना महत्व क्यों है, क्योंकि बच्चे ये जो है सूक्ष्मदर्शी से खोज देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से ही खोजा गया, इसको देखा गया। वास्तविक विलयन व कोलाइडिंग विलयन में विभेदन करने में क्या बोलते हैं, वास्तविक विलयन जो होता है ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, और भैया हमारे पास एक जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो दोनों सॉल्यूशन में अंतर करने के लिए भैया ये जो टिंडल इफेक्ट है हमारा जो है इफेक्टिव रोल प्ले करता है। समझ में आ सारे बच्चों को? अब ये कोलाइडिंग विलयन के विस्मांगी प्रकृति को सूचनांक करने में भैया, मतलब हमारे कोलाइडिंग विलयन जब क्या करेगा, विस्मांगी प्रकृति के रखेगा, हेट्रोजीनियस जो है अब प्रॉपर्टी फॉलो करने लग जाएगा, तो इसका यूज करके बच्चे हम लोग जो इसका पता कर पाएंगे कि हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या है, और सस्पेंशन हमारा क्या है। क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये सारी चीज़ आपका फंडा याद होना चाहिए बेटा, ठीक है। उसके बाद बच्चे हम लोग यहाँ पे कुछ उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर ये भी बात करते हैं कि भैया ब्राउनी गति क्या होती है, आखिरकार ये ब्राउनी गति बच्चे, तो ब्राउनी गति के बारे में हमने बचपन से ही पढ़ा रहा है यार, जैसे कि टिंडल इफेक्ट हमने बचपन से पढ़ा है, उसी प्रकार से ब्राउनी गति भी बचपन से पढ़ा है कि आखिर ब्राउनी गति क्या होती है। ब्राउनी गति कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चे, वहाँ पे जो कोलाइडिंग कण से हमारी जो लाइट होती है वो क्या होती है, स्कैटर्ड होता है, जो टेढ़ी मेढ़ी ज़िगज़ैग चलने लगती, इसी को हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। देखो बच्चा, कोलाइडिंग विलयन में जब अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है, कोलाइडिंग सॉल्यूशन को जब हम जो है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं, तो क्या होता है, इसके कारण जो क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं, कण रहते हैं, वो क्या होता है, टेढ़े मेढ़े ज़िगज़ैग फॉर्म पे चलते हैं, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, इस प्रकार से ज़िगज़ैग चलेंगे। अब जब चलेंगे तो बेटा गतिशील दिखाई पड़ते हैं, इस प्रकार की गति को हम लोग सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था बेटा, ठीक, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, ब्राउनी जो है गति बोला जाता है, ठीक है बच्चे। ये सारी चीज आपको जो फटाफट अपनी कॉपी के अंदर लिख लियो, ठीक है, या फिर भैया स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, समझ में आ सारे बच्चों को। अब देखो भैया, ये इस तरह से सपोज करो भैया कि यहाँ से जो है लाइट आ रही है, ये लाइट क्या करके पहले इस पार्टिकल से टकराएगा, फिर इससे ऐसे क्या करेगा, ज़िगज़ैग गति करेगा, ज़िगज़ैग मोशन करेगा, तो इसी को बोलेंगे बच्चा अपन जो है ब्राउनी गति बोलेंगे, किसका, कोलाइड की जो है ब्राउनी गति बोल रहे होंगे। एकदम सिंपल, यहाँ पे कुछ और जो है मेरे को जानने या फिर जो है आपको बताने की नीड नहीं, क्योंकि इतना लिखोगे तो भैया सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ब्राउनी गति का कारण के बारे में, आखिरकार ब्राउनी गति होती क्यों है, इसके बारे में बात करूँ, तो ब्राउनी गति जो होता है कोलाइडिंग कण पर परिक्षेपण माध्यम के कणों द्वारा असमान बौछार या प्रहार के कारण बनता है। भैया मतलब कि ब्राउनी गति जो होती है ना, ब्राउनी गति जो होती है परिक्षेपण माध्यम पर, क्या भैया हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो हमारा कोलाइडिंग सॉल्यूशन, उस कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर, कोलाइडिंग जो है विलयन के ऊपर, जब मैं कोई भी जो है परिक्षेपण माध्यम डाल, परिक्षेपण अवस्था डाल दूं, तो उसके जो है बौछार होने के कारण, बौछार होने के कारण क्या होता है बेटा, वहाँ पे हमारा ये ब्राउनी गति जो है दिखना स्टार्ट हो जाता है, या जो समान निलंबन में, इसका समान निलंबन तथा इसके बड़े आकार होने के कारण प्रदर्शित नहीं होता, क्योंकि बेटा परिक्षेपण माध्यम के अणुओं द्वारा बौछार का प्रभाव इसमें अत्यंत कम होता है। क्यों बेटा? क्योंकि परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के द्वारा जो बौछार होता है वो कम होता है बेटा, और ब्राउनी गति कणों के आकार तथा विलयन की सान्यता पर निर्भर करता है। मतलब भैया ये ब्राउनी गति जो होती है पार्टिकल्स के, जो हमारे विलयन है, जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, उनकी वेस्कोसिटी पर भी, सान्यता पर ही निर्भर करती है। ये अपन को याद रखना है, क्या बच्चा, हमारी जो, ठीक है, हमारा जो ब्राउनी गति जो होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्राउनी, ठीक है, हमारी जो ब्राउनी गति होता है वो किस पर निर्भर करती है बेटा, किस पर निर्भर करती है, स्यान्यता, ठीक है, वेस्कोसिटी पर ही निर्भर करती है, सान्यता पर निर्भर करती है, ठीक है बच्चा। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ यहाँ पे मैंने आपको फटाफट जो है अच्छे तरीके से आपको बता दी भैया, इसको एग्जाम्स के अंदर बहुत गजब तरीके से लिखने भी आना चाहिए, समझ में आया सारे बच्चों को। चलिए बच्चा फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे यहाँ पे मैंने बात किया कि भैया हमारा विद्युत कण संचरण क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको फटाफट यहाँ जो है एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि आखिरकार विद्युत कण संचरण क्या होता है, विद्युत, ठीक है, एक और भैया रिफाइनिंग के हमारे पास प्रोसेस है, विद्युत कण संचरण, ठीक है। तो विद्युत कण संचरण में क्या होता है बेटा, ये जो पूरे का पूरा जो एक ट्यूब बना हुआ है ना, एक यूट्यूब बना हुआ है, स्पीकर का पूरा जो यूट्यूब बना हुआ है बेटा, यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, ये क्या है हमारा कोलाइडल सोल्यूशन, ये क्या बच्चा, कोलाइडल सोल्यूशन है। जैसे कि हम लोग क्या करते थे, ठीक है, जैसे कि आपने जो है इलेक्ट्रोडायलिसिस के ऊपर पढ़ा हुआ है कि भैया इलेक्ट्रोडायलिसिस में इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, हम जो इलेक्ट्रोड को सेपरेट करने के लिए, सॉरी, जैसे कि अपन ने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों कि जो इलेक्ट्रोडायलिसिस के अंदर जो है ना, हम लोग कोलाइड के सॉल्यूशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रोड का यूज करते थे, हाई वोल्टेज का जो है अप्लाई एप्लीकेशन करते थे, जैसे उसी प्रकार मेरे बच्चे यहाँ पे भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेंसिस का मतलब होता है कि इस ट्यूब के अंदर, इस यूट्यूब के अंदर सबसे पहले अपन क्या डाल देंगे, कोलाइड के सॉल्यूशन डाल देंगे। क्या बच्चा, कोलाइड के सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे कोलाइड का सॉल्यूशन इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, इस कोलाइड के सॉल्यूशन में बेटा क्या कर देंगे, हम अलग अलग फेजेस पे क्या कर देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अटैच कर देते हैं। देखो बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव
चार्ज अटैच कर देंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अटैच कर देंगे, जिससे इस कोलाइड के सॉल्यूशन के अंदर जो भी चीजें होगी, जो भी कोलाइड सॉल्यूशन होगा, जो भी चार्जेस होती, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने आपको बताया भी हुआ है मेरे बच्चे, कि कोलाइड के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, आपने पढ़ा हुआ है ना, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज की ओर जो नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रो कोलाइड होगा वो इस तरीके से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है, अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव चार्ज वाला क्या करेगा, नेगेटिव की ओर इस तरीके से अट्रैक्ट होगा। तो क्लियर है सारे बच्चों को? तो ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, विद्युत कण संचरण, यही जो पूरा प्रोसीजर होता है मेरे बच्चे, वो क्या होता है, विद्युत कण संचरण होता है। और ये जो इलेक्ट्रोड होता है वो याद रखना बेटा क्या होता है, प्लैटिनम का होता है। क्या बच्चा? प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे हम पूरा का पूरा विद्युत कण संचरण के बारे में यहाँ पे अच्छे से सीख गए कि आखिर प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। इसको एग्जाम्स के अंदर बहुत इजी तरीके से आपको लिखने भी आना चाहिए, ठीक है। अब फटाफट आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चा, अब जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है पायस के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर पायस क्या होता है, इमल्सन क्या होता है। तो पायस कुछ नहीं बेटा, यहाँ इसका मैं डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा और जो हमारे इसका उपयोग होता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, फिर हमारा पूरा ओवरऑल चैप्टर जो है बेटा बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे खत्म कर देंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे पायस क्या होता है, जब कोलाइडी तंत्र में परिक्षिप्त जो हमारा फेज होता है, जो विलेय होता है, जो सॉल्यूट होता है बेटा, ठीक है, वो क्या करेगा, परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, दोनों होते हैं। क्या बेटा? जब हमारे जो कोलाइडी तंत्र में कोलाइड्स में जो परिक्षेपण फेज होगा, जो परिक्षेपण फेज मतलब भैया वहां पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक ही रहते हैं, तब क्या बनता है बेटा, एक ही होते हैं, तब क्या होता है, पायस बनते हैं, जब भैया हमको इमल्सन बनते हैं। यदि यदि बेटा यदि दो अमिश्रणीय अथवा आंशिक मिश्रणीय द्रव्यों को मिश्रण को हिलाया जाता है, तब द्रव्य के एक दूसरे पर, क्या बेटा, एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य का क्या होता है बेटा, परिष्कृत करता है। क्या बोलते हैं, मतलब परिष्कृत करता है, परिष्कृत परिक्षेपण प्राप्त होता है। क्या बेटा? परिकृत, जब एक द्रव्य में बेटा क्या होता है, जब एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का क्या होता है बेटा, एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य में जब मिलाया जाता है, हिला के रखा जाता है, तो हमको क्या मिलता है, अपरिकृष्ट अवक्षेपण या फिर परिक्षेपण प्राप्त तो होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा इमल्सन बोलेंगे, इमल्सन बोलेंगे। बहुत गजब तरीके से आपको एक्सप्रेशन देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि भैया कि कैसे इमल्सन होती है। देखो बच्चे, जब हमारे पास एक लिक्विड रहता है, उस लिक्विड के ऊपर, मान लो कि वो हमारा लिक्विड जो है तेल है, उस तेल के ऊपर बेटा मैंने आपको डाल दिया ऑयल, ठीक है, ऑयल डाल, तो वो क्या एक साथ मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, उसी को बोलते हैं भैया क्या बोलते हैं, अरे अपरिकृष्ट परिक्षेपण, मतलब हमारा कॉजर डिस्पर्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से अपरिकृष्ट परिक्षेपण हमको देखने को मिलेगा बेटा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं, इमल्सन बोल रहे हैं। तो इसके उपयोग क्या क्या होती है सर, धात्विक प्रक्रमों में अयस्कों का सांद्रण, झाग उप्लवन, जैसे मैंने आपको बताया झाग उप्लवन विधि में हम ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है, तो वही वो क्या होता है, पायस की तरह यूज किया जाता है, झाग उप्लवन विधि में, विधि के द्वारा किया जाता है, जो कि बारीक पाउडर तेल या पायस के में उपचार का आधारित होता है। झाग उप्लावन विधि जब पढ़े थे बेटा, मेटलर्जी पढ़े थे, उस मेटलर्जी के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि मेटलर्जी के अंदर जो हम ऑयल यूज करते हैं बेटा, झाग उप्लावन विधि ऑयल, पाइन ऑयल यूज करते हैं, वही हमारे क्या बेटा, पायस की तरह यूज किया जाता है। दूसरा, तो सड़कों के निर्माण में जल के पायसीकृत जो है एस्फॉल्ट प्रयुक्त किया जाता है, पायसीकृत एस्फॉल्ट जो है यूज में लाया जाता है बेटा। इसके जो दो टाइप होते हैं उसका हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं, क्या होता है बेटा, दो टाइप के बारे में बात करें, जिसको जो है हमारे कुछ जो है उपयोग है, इसको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पे मेरे को जो है मेरे हिसाब से कोई भी एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे जो है पूरा का पूरा अपन ने पढ़ चुका है कि भैया पायस कैसे होता है, पायस कैसी चीज़ें होती है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे पायस के चार अनुप्रयोग लिखना है, तो इसके चार महत्व लिखने, तो बेटा आप लोग इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और भैया इसको एग्जाम से पूछा गया है, ठीक है बच्चा। अब बच्चे अपन जो है क्या पढ़ते हैं, अपन जो है अब क्या पढ़ते हैं, पायस की जो है कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अब बच्चे मैं क्या करता हूँ, हाँ उससे पहले बच्चे मैं क्या बात करता हूँ, स्कंदन कोगुलेशन आखिर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जब कोलाइड में बेटा क्या होता है, जब कोलाइड में उस पर उपस्थित आवेश के विरुद्ध आवेश वाले विद्युत अपघट्य उचित मात्रा में मिला देते हैं, तो उनका आवेश क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और वे क्या करते हैं बेटा, आपस में इकट्ठा होकर अवक्षेप बना देते हैं। इसको हम कोलाइड कण को विद्युत अपघट्यों के द्वारा क्या होता है, अवक्षेपित हो जाता है, इसको हम लोग इसके अंदर बोलते हैं। मतलब एकदम सिंपल मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। देखो भाई, हमारे पास एक कंटेनर के अंदर क्या रखा हुआ है, एक हमारा जो है सॉल्यूशन रखा हुआ है, मतलब वो सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। वो सॉल्यूशन जो है वो कैसे, सपोज करो कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो कोलाइड सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव चार्ज है। अब उस कोलाइड पॉजिटिव कोलाइड सॉल्यूशन के ऊपर मैं जो है नेगेटिव कोलाइड सॉल्यूशन डाल देता हूँ, एक नेगेटिव चार्जेस डाल देता हूँ, वो क्या करेगा, इसको दोनों को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, सेम अमाउंट की बात करूँ भाई, सेम अमाउंट की, ठीक है, सेम अमाउंट की बात करूँ। इधर मैं सपोज करो कि यहाँ पे जो है
प्लस का जो है पॉजिटिव चार्ज, तो इधर नेगेटिव जो है प्लस का होना, सॉरी नेगेटिव चार्ज भी रहना चाहिए इक्विवेलेंट अमाउंट में। तो ये दोनों क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्या करेंगे उसकी जो ऊर्जा है दोनों को नष्ट कर देंगे, और नष्ट करने के बाद क्या बनाएंगे बेटा अवक्षेप बनाते हैं। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्कंदन बोलते हैं इसको, इसी प्रोसेस को हम लोग कोगुलेशन बोल रहे होते हैं। आपको समझ में आया सारे बच्चे, ठीक है, ये एग्जाम्स के अंदर बेटा पूछा गया, तो इसको फटाफट अपने कॉपी के अंदर जबरदस्त तरीके से लिखिएगा, ठीक है, समझ में आया। अब रक्षी क्लोराइड बेटा इसको आप लोग क्या करने थोड़ा सा देख के जाइए कि रक्षी क्लोराइड आखिर क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं कि वो रक्षी क्लोराइड आखिर होता क्या चीज है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे मैं आपको एक और जो लास्ट टॉपिक जो है करा के चाहता हूँ, जिससे आपको सारी की सारी जो चीजें बेटा आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, जिससे हमको जो है और जो है सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी बेटा। देखो फटाफट देखो स्वर्ण संख्या आखिर क्या होती है, ठीक है। अब स्वर्ण संख्या क्या होती है देखो ध्यान समझना, ठीक है, क्या होता है जब ये जो प्रोसेस होता है पूरा का पूरा जो स्कंदन का जो प्रोसेस होता है, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस को रोकने के लिए, उस प्रोसेस को, इस स्कंदन की जो प्रक्रिया होती है उसको रोकने के लिए जिस अमाउंट में बेटा अपन लोग गोल्ड का यूज करते हैं या फिर कुछ विद्युत अपघट्य का यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं स्वर्ण संख्या। जितने अमाउंट में यूज करेंगे उसको नंबर को ही बोलेंगे स्वर्ण संख्या। इसको लिखते कैसे बेटा याद रखना, यह जो है मिलीग्रामों में रक्षी कोलाइडी की वह मात्रा होती, क्या बेटा मिलीग्रामों में रक्षी क्लोराइडी की वह मात्रा होती जो दिए हुए स्वर्ण कोलाइडी कोलाइडी के विलयन में 10 मिलीलीटर जो है 10 मिलीलीटर में उपस्थित होने पर, 10 मिलीलीटर में उपस्थित होने पर उसका 1 मिलीलीटर जो है 10% NaCl विलयन के द्वारा क्या होता है स्कंदन होने से रोकती है, स्कंदन होने से रोकती है। मतलब कि मेरे पास बेटा सपोज करो कि मेरे पास जो है 1 मिलीलीटर जो है NaCl का जो विलयन है उसका स्कंदन रोकने के लिए यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, 10 मिलीलीटर के उपस्थित में, सॉरी एक जो है रक्षी क्लोराइड का यूज कर रहा हूँ उसको मैं क्या बोलूंगा बच्चा स्वर्ण संख्या बोल रहा हूँ। अगर इसको और एकदम अच्छे तरीके से समझना है बेटा तो आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे जो है और समझना, तो स्वर्ण संख्या अधिक होने पर जो रक्षण शक्ति होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अतः इसका द्रव स्नेही कोलाइड की रक्षण शक्ति को निर्धारित करता है, क्या बोलता है निर्धारित करता है, जिलेटिन की रक्षण शक्ति सर्वाधिक एवं डेक्सट्रिन की जो रक्षण शक्ति होती है बेटा वो सबसे कम होती है। तो ये आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये स्वर्ण संख्या बेटा एग्जाम्स में जो है आए हुए हैं, तो इसको फटाफट अपने कॉपी के अंदर जबरदस्त तरीके से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने जो पूरा का पूरा जो हमारा ये सरफेस केमिस्ट्री था ये लोग यहाँ पे हम खत्म कर चुके हैं, जबरदस्त तरीके से फोड़े हुए हैं, ठीक है, जबरदस्त तरीके से पढ़े हुए कि आखिर जो है सरफेस केमिस्ट्री कैसे होती है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, उसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से पढ़े हुए बेटा। तो इसी जोश और इसी नए उमंग के साथ बेटा हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बच्चे बाय बाय, धन्यवाद, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ी रही, धन्यवाद।